आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते रण कितना बड़ा है। मतलब हम ट्रैवल कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन जिस भी कोने में हम जा रहे हैं कच्छ के, हमें रण मिल रहा है, तो ये इतना बड़ा है। तो यहाँ से ये है इसकी एंट्री है, वेलकम टू लखपत फोर्ट। वाकई में काफी बड़ा है ये, आप देख सकते हो राइट साइड में इसकी बाउंड्रीज। और लेफ्ट में भी इसके अंदर गुरुद्वारे भी है। एक गुरुद्वारे का शायद से कंस्ट्रक्शन चालू है अभी। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं एट फोर्ट लखपत। ये पूरा जो है दिख रहा है आपको दूर से, जो मैंने अभी आपको बाहर से दिखाया, तो ये वॉल है ये फोर्ट की, और इसके अंदर ये छोटा सा गांव जैसा है। मतलब गांव है, मंदिर है, अंदर से गुरुद्वारा एंड एक डिफेंस का कॉलोनी भी है, डिफेंस पर्सनल जहाँ पर रहते हैं। कॉलोनी नहीं बोल सकते बट मोर और लेस उनको रहने की जगह है। तो अभी हम ऊपर जाते हैं, तो आपको मैं ऊपर से दिखाता हूँ कैसा है ये। इसकी हिस्ट्री जहाँ से हम कुछ जान सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है हमें बोर्ड वगैरह, भी थोड़ा लिटरेचर वगैरह रहेगा तो एटलीस्ट विजिटर्स को पता चलता है कि वॉट प्लेस दे आर गोइंग। नो डाउट इस फोर्ट का कुछ सिग्निफिकेंस होएगा इन आर हिस्ट्री। हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, थोड़ा आगे जाएंगे क्योंकि गाड़ी पे ऐसे ही सामान लगा पड़ा है। नाइस प्लेस टू विजिट। मैं काम करूँगा, इस पर मैं थोड़ा और रिसर्च करूँगा और वीडियो में टाइटल्स सब टाइटल्स डाल दूँगा। जहाँ पे मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, बिकॉज अच्छा नहीं लगता है कि हम वीडियो बना रहे हैं किसी चीज़ के बारे में एंड वी नॉट इवन अवेयर व्हाट इट इज़। नो डाउट इट्स अ फोर्ट बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका रेलिवेंस तो चला, इसका रेलिवेंस तो मालूम होना चाहिए हमें। तो गाइस ये मैप बनाया गया है पत्थर पे काव करके फोर्ट का, जिसमें भुज वारो नाको तपाई वारा बारी, इट्स वेरी मच गुजराती। देन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इंग्लिश में दिखा है, यहाँ पे गुजराती में और हिंदी में भी है। तो इसमें गुरुद्वारा भी है, शीतला माता मंदिर है, शाह अबू रूप दरगाह, कस्टम स्ट्रीट, कस्टम हाउस, अकबानी महल, नागरान तालाब।
सो दिस इज़ दी टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट दिस फोर्ट लखपत एंड इट सीम्स इट इज़ क्लोज्ड। ये वीकडे है और आई डोंट थिंक सो बहुत दूर से यहाँ पे लोग आते रहेंगे, जो भी आते रहेंगे लोकल्स आते रहेंगे, लोकल्स एज इन 200-300 आउट किलोमीटर से, तो इसीलिए ये वीकडेज में ऑपरेशनल रहेगा। वी डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन और मैं स्पेकुलेट नहीं करूँगा अननेसेसरीली टू क्रिएट एनी कन्फ्यूजन, बट दिस इज हाउ इट इज। वहाँ पे एक प्ले एरिया भी है बच्चों के लिए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इट सीम्स दैट यहाँ से रोड है वहाँ पे जाने के लिए, तो हम अभी गाड़ी ही लेके जाएंगे अपनी। यहाँ पे कोई पेड़ भी नहीं है, जहाँ पे थोड़ी छांव है ना हम खड़े रह सकते। दैट्स द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस पार्ट ऑफ गुजरात। हमने देखे रास्ते में भी है ना, हार्डली देयर वर एनी ट्रीज जहाँ पे यू नो यू कैन थोड़ा सा आराम करें छांव में, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है यहाँ पे। सुबह सभी हम थोड़ा यहाँ से रोड है फोर्ट के पीछे जाने के लिए हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करते हैं और हम ऊपर जाएंगे अभी। तो गाइस अभी ये एक व्यूइंग पॉइंट है, हम यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं सीढ़ियों से, आपको हम ऊपर से दिखाते हैं। ओके, यहाँ से अभी जाएंगे हम और ऊपर। तो हम ऊपर आ चुके हैं, सो गाइस आप ये जो व्यू देख रहे हैं दिस इज पार्ट ऑफ रण। आप अंदाजा भी लगा सकते हैं रण कितना बड़ा है, मतलब हम ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन जिस भी कोने में हम जा रहे हैं कच्छ के हमें रण मिल रहा है, तो ये इतना बड़ा है। So big it is. तो अभी हम नीचे चलते हैं और हम आपको फोर्ट का दूसरा हिस्सा दिखाएंगे। एक वी आर ऑन अ डिफरेंट साइड ऑफ दिस फोर्ट। यहाँ पे ये ऊपर हम जा रहे हैं, इसको बुर्ज बोलते हैं, जहाँ से दुश्मनों पे आप नज़र रख सकते हो उनकी एक्टिविटीज़ पे। सो गाइस यहाँ पे भी एक तोप है कैनन, जब ये एक्टिव होगी तो पता नहीं इसने दुश्मनों पे कितने गोले डागे रहेंगे। एंड हियर इट इज द ग्रेट रण। कच्छ में आप होगे, आप कहीं पे भी जाओगे, रण आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ये आपके साथ चलेगा। इट्स सो वास्ट। तो गाइस अभी हमने आपको फोर्ट काफी दिखा लिया ऊपर से, अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे और क्या है यहाँ पे। वहाँ पे हमारी
ड्यूटी खड़ी है, हमारा इंतज़ार कर रही है, तो चलो अभी इसके साथ हम चलते हैं आगे। वैसे अभी हम निकलते हैं आगे का हिस्सा एक्सप्लोर करने के लिए इस फोर्ट का। तो ये रोड यहाँ पे ख़त्म होता है, वी विल हैव टू टेक अ यू टर्न। हमारा दोस्त वालत पता नहीं कहाँ पे चला गया। हाँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है, अभी एसी की हवा आ रही है ऐसा लग रहा है। दोस्तों यहाँ पे बहुत गर्मी है कच्छ में, अगर आप कच्छ में आ रहे हो तो आपको दिन में गर्मी सहन करनी पड़ेगी, ऐसे कोई रास्ता नहीं है, छुटकारा नहीं है आपको। काफ़ी ऑफ रोड कर रहे हैं हम पिछले कुछ दिनों से, गुड एन एक्सपीरियंस। गाइस ये रोड किसी मंदिर है कोई, और यहाँ से हमें जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो हम फिर से यू टर्न ले रहे हैं। चलो यार, अननेसेसरी ज़्यादा एडवेंचर नहीं करते हैं, जहाँ से हम आए वहीं से चलते हैं। हम भी कभी कभी है ना थोड़ा सा ज़्यादा एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं, क्या करें, किसी को आती नहीं है और हमारी जाती नहीं है एडवेंचर करने की आदत। चलो आ गए हैं हम। अरे यार, बोलते हैं ना किसी की जाती नहीं और किसी को आती नहीं, हमारी जाती नहीं है मस्ती। ओके, तो हमें सफलता प्राप्त हो गई है मेन रोड पे आने के लिए। मैं क्या ढूंढ रहा हूँ आपको, वहाँ पे एक फोर्ट के अंदर एक मंदिर था पुराना, काफी बड़ा दिख रहा था। मैं उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने दूर से देखा था। ओके, हियर इट इज, हम इसी को ढूंढ रहे थे। ब्यूटिफुल, सो ये है गौस मोहम्मद में कुबो, जिसका मतलब मुझे मालूम नहीं है, बट काफी पुराना स्ट्रक्चर है और काफी काम है इस पे, बहुत बारीक काम है। हम आपको ये दूर से दिखा रहे हैं और अभी फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। तो सी यू गाइस, विल कैच अप विद यू इन सम टाइम। सो दोस्तों, अभी हम लखपत से अभी बाहर जा रहे हैं वापस द फोर्ट के अंदर से। यहाँ पे टूरिस्ट के लिए अरेंजमेंट काफी बढ़िया बनाया है, मतलब सब दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ जो जो फैसिलिटीज है, बस वो फैसिलिटीज मैनेज करने के लिए कोई बंदा नहीं है। लेकिन ये राइट में है गुरुद्वारा, हम जरा नजदीक से देखेंगे से। गुरुद्वार श्री गुरु नानक दरबार, गुरुद्वारे का कुछ काम चल रहा है अभी भी। हमने सोचा था चलो मथा टेकेंगे और लंगर रहेगा तो यार प्रसाद का स्वाद जरूर लेंगे। तो चलो कोई नहीं, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी हमें नारायण सरोवर भी जाना है। तो गाइस अभी हम लखपत फोर्ट से बाहर निकल रहे हैं,
थैंक यू फॉर विजिटिंग लखपत फोर्ट। हम देखते हैं यहाँ पे कुछ पानी वगैरह मिलता है क्या, क्योंकि काफी प्यास लगी है और पानी हमारा खत्म हो चुका है। तो हमने अभी पानी लिया और बातों बातों में पता चला इनका नाम है हितेश गोस्वामी और ये मुंबई में पैदा हुए हैं। इनकी पढ़ाई भी मुंबई में हुई है। इनफैक्ट इनकी जो मम्मी जी दिख रही है जो पास में बैठी है, ये मुंबई में रहती है। अभी ये कोविड सिचुएशन चल रहा है इसके लिए यहाँ पे है। तो लोग बोलते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन हम बोलते हैं दुनिया बहुत छोटी है और आप जितना घूमेंगे वो और छोटी होती जाएगी। तो हितेश जी थैंक यू वेरी मच, अच्छा हो गया आपसे मिलके, अच्छा लगा। या कभी मुंबई में आएंगे तो ज़रूर मिलना। चलो बाय। चल चुके हैं लखपत फोर्ट से और जा रहे हैं नारायण सरोवर, जो यहाँ से 43 किलोमीटर है। धूप काफ़ी बढ़ चुकी है, अगर हम थोड़ी देर भी रुकते हैं तो पसीना पसीना हो जाते हैं अंदर से। हाँ, गाड़ी जब तक चलती रहती है हवा आती रहती है। तो चलो मिलते हैं आगे फिर। आप सामने देख सकते हैं ये इसका गेट है। ज़रा यहाँ पे रुक जाते हैं अपने पार्टनर को आने के लिए। सी यहाँ पे भी रण है, जैसे मैंने कहा रण आपको छोड़ता नहीं है कच्छ में।